आप देख रहे हैं अपना समाचार। मंदिर में एक्चुअली वैष्णो देवी जी का मंदिर है, ये माता का बहुत जागृत मंदिर है, सोनभद्र के ओपरा गांव में है। और यहाँ पे हमारी 3 फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, आज मुहूर्त हुई है, जिसमें एक किलकहरू है और 2 फिल्म का नाम अभी टाइटल फाइनल नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन नंबर 3 और प्रोडक्शन नंबर 4 करके बोला गया है। इसमें फिल्म के निर्माता है हमारे अरुण कुमार दुबे जी और निर्देशक है टैलेंटेड राम जय पटेल जी। अच्छा, अब एक्चुअली हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं 3 फिल्म पे एक साथ लेके। अब पहली कौन सा देखते हैं, जैसे जैसे सेटअप रेडी होती है, मुझे लगता है आई थिंक सो तिलकहरू पहले रेडी होगी। एक कुछ सर बहुत कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ रही है। अभी मैंने शूट किया सैया 420, उसमें बहुत कुछ मतलब क्राउड हो जा रहे थे, मास्क लगाना पड़ रहा है, सैनिटाइज हमेशा, वो बहुत मतलब प्रोडक्शन में काम करना पड़ रहा, बहुत दिक्कत हो रहा। पहले की तरह आज़ादी नहीं रही जी, नहीं। यही तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी वैष्णो धाम गया नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मतलब 2-4-5 साल पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि माँ कब मुझे बुलाओगी, माँ कब मुझे बुलाओगी। लेकिन ये एक वैष्णो देवी है, सेम जैसे वो वैष्णो देवी है ना, वहाँ का जागृत मंदिर एकदम सिद्धिपीठ है, भी सेम है। तो इसके पहले भी मैं इसके यहाँ पे आ चुका हूँ आरजू फिल्म लेकर, जिसकी शूटिंग मैंने इसे यहीं पर किया था और माता रानी के मंदिर में अपना माथा टेका था और मैं बोला था कि माँ क्या मतलब ये फिल्म करने यहाँ पर आया हूँ, इसके बाद अब कब आऊँगा आपसे मिलने या कब आपका दर्शन होगा। और देखिए देखते देखते 6 महीने के अंदर तो माँ ने मुझे 3 फिल्म लेके यहाँ बुला लिया। तो थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। लॉकडाउन में बहुत कुछ गड़बड़ रहा, बहुत कुछ खास रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। काम के प्रेशर में कभी कभी क्या होता है ना कि काम इतना था पहले कि मतलब इसके प्रेशर में बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होता है, चीज़ें क्या है, रिलेशन क्या है, चीज़ें क्या है, लोग कैसे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखने को मिला। फिल्म अभी आने वाली है चांद जैसन दुल्हन हमार, आरजू और एक सलामी फिल्म में। हाँ, गाने एक्चुअली हमारे जो डायरेक्टर साहब है, जो राम पटेल जी है, वो हमेशा म्यूजिक का बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और देख लीजिए हमारे पंगेबाज के भी गाना उठा के देख लीजिए, बहुत ही बेहद खूबसूरत गाने हैं। और आरजू में भी गाने एक से एक गाने हैं। और चांद जैसन दुल्हन हमार तो नाम से ही पता चलेगा आपको, उसे टाइटल कैसा है, तो फिल्म कैसी होगी, गाने कैसे होंगे। और सलामी जो हमने सलामी जो मैं कर रहा हूँ वो भी बहुत बढ़िया, उसमें गाने हैं। अभी जो 3 फिल्म करे इसके भी गाने एकदम लाजवाब है। हाँ, तो क्या करो, चिल्ला हूँ सैलेंडर रहना पड़ेगा ना, क्या चिल्ला के क्या करूँगा मैं, बस काम करना है, थोड़ी बोलना है, थोड़ी कुछ चिल्लाना है, बस काम करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे साइलेंट रहना, बहुत अच्छा लगता है, काम करना बहुत अच्छा लगता है, शोर मचाना अच्छा नहीं लगता। बताऊँ मोटा मोटी एक्टिव रहता हूँ लेकिन अच्छा रहता हूँ, जब भी काम के सिलसिले से ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ऐसे कभी मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, काम के सिलसिले में रहता हूँ। जैसे कुछ मुहूर्त हुई तो उसमें एक्टिव रहा, लाइव आना हुआ, किसी कुछ बोलना है उसके लिए है, बहुत कुछ अभी बीच में कोरोना काल में बहुत कुछ हो रहा था उसके लिए कुछ लाइव आया था मैं, लोगों को सावधानियाँ बताने के लिए, कुछ सावधान होने के लिए। हाँ, तो सर बस क्या कहना है, इसके पहले भी मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ, आज मेरी अर्जुन से बताया था, बहुत ही लोग कोऑपरेटिव है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत ही मानते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए शहर इतना पसंद आ गया, ये जगह इतनी पसंद आ गई कि डायरेक्टर साहब बोले कि हम लोग अगर अगला फिल्म करेंगे तो वहीं जगह करेंगे। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।